मैं नमिता गौड़, प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत विद्यालय जसवंतपुरा, कक्षा 12, सामान्य विज्ञान, पाठ 27, उत्सर्जन तंत्र, भाग 1। सभी जीवों में उपापचय की क्रिया के फलस्वरूप बहुत से अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए विषैले और हानिकारक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा के उपापचय के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं, जबकि प्रोटीन के उपापचय से नाइट्रोजन या अपशिष्ट पदार्थ जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि बनते हैं। ऐसे नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जैव क्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। प्रोटोजोआ, प्रोलीफेरा, सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं में इन पदार्थों को निकालने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते, जबकि अन्य जंतुओं में उत्सर्जन के लिए उत्सर्जी अंगों का तंत्र होता है, जिसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ ये चार प्रकार के होते हैं। पहला, एमिनो अम्ल। ऐसे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में एमिनो अम्ल का निष्कासन करते हैं उनको एमिनोटेलिक कहते हैं। इसका उदाहरण है मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। अमोनिया, ऐसे जीव जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें अमोनोटेलिक कहते हैं। अमोनिया एक अत्यधिक विषैली और जल में घुलनशील होता है, इसलिए ऐसे जीवों में ये पाया जाता है जो जल में रहते हैं, उदाहरण पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, अस्थिल मछलियाँ इत्यादि। यूरिया, ऐसे जीव जो यूरिया के रूप में नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरियोटेलिक कहते हैं। क्योंकि यूरिया अमोनिया से कम विषैली और जल में कम घुलनशील होते हैं, इसलिए अधिकांश स्थलीय जीवों में पाया जाता है, जैसे उभयचर, स्तनी और ऐसे जलीय जंतु जिनमें जल की बहुतायत नहीं होती। यूरिक अम्ल, ऐसे जीव जो यूरिक अम्ल के रूप में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरिकोटेलिक कहते हैं। यूरिया से यूरिक अम्ल यूरिया से भी कम विषीला और पानी में अघुलनशील होता है, अतः शुष्क वातावरण में पाए जाने वाले स्थलीय जीवों में इस प्रकार का उत्सर्जन होता है, जैसे पक्षी, सरीसृप इत्यादि। उत्सर्जन तंत्र की संरचना, मनुष्य में एक जोड़ी मेटानेफ्रिक वृक्क उदर गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। वृक्क की आकृति सेम के बीज के समान होती है। वृक्क के भीतरी भाग की ओर एक छोटा सा रंध्र पाया जाता है, जिसे हाइलम कहते हैं। इस हाइलम वाले भाग से एक मूत्रवाहिनी निकलती है। दोनों तरफ के वृक्क की दोनों मूत्रवाहिनियाँ उदर गुहा में पीछे जाकर के मूत्राशय में खुल जाती है। मूत्राशय का पिछला भाग सक्रिय नलिका के रूप में मूत्र मार्ग का निर्माण करता है। नर के अंदर मूत्र मार्ग शिशन के अग्र सिरे पर स्थित मूत्र जनन छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है, जबकि मादा में दरार रूपी छिद्र के रूप में योनि छिद्र, जिसे कहते हैं, के द्वारा ये बाहर निकलता है। वृक्क नलिका या नेफ्रॉन, प्रत्येक वक्र छोटी छोटी अनेक कुंडलित रचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयों का बना होता है, जिसे वृक्क नलिका या नेफ्रॉन कहते हैं। मनुष्य के दोनों वृक्कों में लगभग 20 लाख वृक्क नलिकाएँ होती है। वृक्क के दो भाग होते हैं, बाहरी कॉर्टेक्स और भीतरी मेडुला। वृक्क नलिका का प्यालेनुमा संरचना, जिसे बोमन संपुट कहते हैं, इसके अंदर अभिवाही धमनी प्रवेश करती है और अपवाही धमनी के रूप में बाहर निकलती है। ये धमनी बोमन संपुट में प्रवेश कर कई केशिकाओं के अंदर विभाजित होकर के एक जटिल गुच्छे का निर्माण करती है, जिसे केशिका गुच्छे कहते हैं। ये भाग कॉर्टेक्स में उपस्थित होता है। बोमन संपुट के आगे का भाग जो कॉर्टेक्स में ही होता है, अत्यधिक कुंडलित नलिका के रूप में होता है, जिसे समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं, जो आगे चल करके यू आकार का हेनले के रूप में बदल जाता है। ये भाग वृक्क के मेडुला वाले भाग में स्थित होता है। प्रत्येक वृक्क का हेनले के रूप की आरोही भुजा वापस से कॉर्टेक्स के अंदर चली जाती है और वहाँ जा कर के दूरस्थ कुंडलित नलिका में खुल जाती है। यह एक सीधी और लंबी नलिका, जिसे संग्राहक नलिका कहते हैं, उस संग्रह नलिका में खुल जाती है। आगे जाकर ये संग्रह नलिकाएं सभी कॉर्टेक्स के भाग में ही प्रारंभ होकर के वृक्क के मध्यांश या मेडुला भाग में होती हुई पेल्विस में जाकर के खुल जाती है। उत्सर्जन की कार्यकी, स्तनियों में यूरियोटेलिक उत्सर्जन होता है। इसमें दो प्रक्रियाएं प्रमुख होती है, पहला यकृत में यूरिया का निर्माण और दूसरा वृक्कों में
मूत्र निर्माण और उत्सर्जन। यूरिया का संश्लेषण, यकृत में अमोनिया के दो अणु कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर के यूरिया का निर्माण करते हैं। ये प्रक्रिया बहुत जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें कई एंजाइम लगातार भाग लेते रहते हैं। इस चक्र के अंदर आर्निथिन, सिट्रुलिन, आर्जिनिन एमिनो अम्ल का चक्रीय उपयोग होता है, इसलिए इसे आर्निथिन चक्र या क्रेब्स हेंसलेट चक्र भी कहते हैं।